Assalamualaikum everyone, so good morning and welcome back to my new vlog. So finally मैं एक vlog लेकर आ गई हूँ, a day in my life vlog. और I know कि बहुत time के बाद मैं vlog shoot कर रही हूँ, मतलब मैंने record करके तो रखे हुए थे लेकिन मैं upload नहीं कर पा रही थी because of some reasons. जैसे कि मैंने पिछले vlog में ही आप लोग को बताया था कि मेरी storage का issue हो गया था, that's why मैं vlog upload नहीं कर रही थी. So finally आज vlog आ चुका है and आज का vlog एक random सा vlog होने वाला है. और अभी तो मैं किचन में आई थी अपने लिए चॉकलेट ब्रेड सैंडविच बनाने के लिए. सो या साथ साथ मैं आप लोग के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी. सो या फुल व्लॉग देखिएगा एंड तक. तो गाइस इसकी रेसिपी ना मैंने नेट पर देखी थी तो मैंने बोला चलो बनाने की ट्राई करते हैं. यहाँ हमारी चाय में बॉयल आ गया था तो सबसे पहले तो मैंने इसमें मिल्क ऐड कर दिया. अब चलो बनाने की ट्राई करते हैं चॉकलेट ब्रेड सैंडविच. तो सबसे पहले ना मैंने यहाँ पर सर्कल शेप से इसके सर्कल्स निकाल लिए थे, चार ब्रेड के स्लाइस लिए थे और इस तरह से इनके सर्कल्स निकाल लिए थे. आपके पास अगर सर्कल शेप अवेलेबल हो तो उससे भी निकाला जा सकता है. मेरे पास ना था लेकिन अभी सामने दिख नहीं रहा था, डेट्स वाई मैंने ये ढक्कन का इस्तेमाल किया. तो यप इस तरीके से निकाल लेंगे. पता नहीं क्यों मेरे जहन में आ रहा था कि चलो यार आज बनाते हैं चॉकलेट ब्रेड सैंडविच, एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट करते हैं, वरना ना मेरा चाय से ही पूरा ब्रेकफास्ट कम्प्लीट हो जाता है. जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते होंगे उनको आइडिया होगा कि सुबह सुबह ना मुझे इतना कुछ खास ज़्यादा खाना पसंद नहीं है, लेकिन बस थोड़ा हल्का फुल्का हो चाय के साथ चलता है. खैर हम लोग बनाते हैं ब्रेड सैंडविच तो इसके लिए बस मैंने ना एक स्लाइस पे चॉकलेट इस तरीके से तोड़ तोड़ के रख दिए हैं और जो दूसरा ब्रेड का स्लाइस होगा ना उसको हम इसके ऊपर अच्छे से रख कर कवर कर देंगे. देन हम इसको फ्राई करेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालना है बिल्कुल थोड़ा सा, उसके बाद इस तरीके से फ्राई कर देंगे. और यार मुझसे ना थोड़े से ना ओवर कुकड हो गए थे तो इस तरीके से ये ऊपर से जला जला सा महसूस हो रहा था, लेकिन मैंने बोला चलो यार हार नहीं मानेंगे, ट्राई करते रहेंगे. सो यप देखने में तो बहुत ही टेस्टी लग रहे थे, मैंने ऊपर से चॉकलेट की टॉपिंग भी कर दी थी, इस तरीके से डेकोरेट किया. सो यप अब मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ. तो ये देखो यार अंदर से जब मैंने इसको पूरा तोड़ा है ना तो कितना चॉकलेटी है, देखने में तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है, खाने में भी बहुत ही यम्मी था सीरियसली. और ये ब्रेकफास्ट तो नहीं डिनर बन गया था, मतलब डिनर भी नहीं कहेंगे क्योंकि डिनर में थोड़ा लेट करती हूँ, लेकिन कह सकते हैं कि ये डिनर ही बन गया था क्योंकि बीच में ना लाइट चली गई थी जब मैं ये चॉकलेट सैंडविच बना रही थी. तो मैंने फिर वेट किया काफ़ी देर तक कि कब लाइट आएगी, फिर मैं दोबारा किचन में गई और उसके बाद मैंने इसको फिर बनाना शुरू किया क्योंकि ना मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, तो अगर मैं बना लेती तो फिर वीडियो अच्छी रिकॉर्ड नहीं हो पाती. सो डेट्स वाई मैं इतना कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी इस व्लॉग में, वरना मैंने तो सोचा था कि मैं ना एक प्रॉपर रूटीन व्लॉग बनाऊंगी. लेकिन खैर मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया काफ़ी लेट और चाय के साथ ना चॉकलेट सैंडविच का मज़ा ना डबल हो गया था सीरियसली. आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करो, होप्स हो कि आप लोग को भी पसंद आएगी. सो फिर मैंने ना अपनी स्किन केयर करी, मैंने बोला चलो थोड़ी बहुत ना स्किन केयर कर लेते हैं. वही बेसन का फेस पैक बनाया था और अपने फेस पर अप्लाई किया था और जेंटली मसाज करते रहनी है, ताकि वो कहते हैं ना ज़ोर ज़ोर से मसाज नहीं करनी क्योंकि फिर ख़राब होता है फेस, इस वजह से थोड़ा हल्के हाथ से मसाज करनी. तो ये फिर मैंने अपने फेस को फेस पर ये बेसन फेस पैक अप्लाई किया. अरे कहना क्या चाहते हो? और मसाज की और फिर इसको वॉश कर लिया थोड़ी देर के बाद, मतलब 10 से 15 मिनट बाद इसको वॉश कर लिया. एंड गाइस आप लोग और सपोर्ट करो ताकि मैं और मज़ीद अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आऊँ, आप लोग के साथ अपनी रूटीन व्लॉग शेयर करूँ, आउटिंग के व्लॉग शेयर करूँ, ट्रैवल के व्लॉग, जहाँ जहाँ के व्लॉग्स बनाऊँ आप लोग के साथ शेयर करूँ, मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि अगर आप लोग अच्छा प्यार दिखाओगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं और व्लॉग्स बनाकर आप लोग के साथ शेयर करती जाऊँ. सो यह बस फिर मैंने ना रात हुई थी अपना डिनर किया था और डिनर में ये बना था अंडे आलू का सालन, साथ में रोटी थी. सो यप. सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू गाइज लाइक दिस व्लॉग. सो डू लाइक कॉमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. सी इन माई नेक्स्ट व्लॉग. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.